आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। म्यांमार में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती स्टेशन स्थित अंबेडकर भवन में माल्यार्पण कर मनाई गई। अंबेडकर भवन पर लगाई जाए डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा, ऐसी मांग अभय व्यास द्वारा की गई। और उसी समय सदस्य पूरन लाल जाटव द्वारा 50,000 की राशि की घोषणा की गई, जिससे प्रतिमा लगाई जाए। इस मौके पर समस्त पार्टी एवं समस्त दलों के लोग मौजूद रहे, साथ ही पुलिस भी चौकन्नी दिखाई दी। बाबा साहब की प्रतिमा अगर यहाँ इस बात हुई तो हमको बिना सुनाई तक जाना नहीं पड़ेगा और समस्त कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से हमारे म्याना में ही आयोजित हो सकेंगे, क्योंकि म्याना बहुत बड़ा एक बिंदु है। धन्यवाद। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। चाचौड़ा में संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सेन समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें चाचौड़ा में नामदेव समाज के नागरिकों ने प्रदेश से आए सांस्कृतिक सचिव लीलाधर सेन का साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नामदेव समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर निकाला गया विशाल चल समारोह भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखकर लौट आया। पहली बार ये देखने को मिला कि किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर निकाले जाने वाले चल समारोह की, जो अंबेडकर भवन पहुंचते ही वहां से वापस लौट गया। हुआ यूं कि जब जुलूस अंबेडकर भवन पहुंचा, वहां उसका समापन होना था, उसी समय जुलूस के साथ आ रहे कार्यकर्ताओं ने मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को देखा, जिससे वह नाराज होकर जुलूस वापस ले गए। हालांकि वहां लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और जुलूस को वापस ले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखकर जुलूस वापस लौट गया? आने का कष्ट करें, आप लोगों का बहुत स्वागत करती है सभी समितियां।
और तालियों से बहुत बहुत स्वागत करें, इनका बहुत बहुत वंदन करें, बहुत बहुत अभिनंदन करें। मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं, शांति बनाए रखें। मैं आपके जुलूस वापस क्यों ले गए? सबसे पहले आपको इस देश को, यहाँ की जनता को मैं बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब को मानने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन और ये जिला स्तर के जितने भी विभिन्न संगठन थे जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके संगठनों की अगुवाई में यहाँ पर जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो आयोजन समिति थी उसने किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को मंच पर स्थान देने के लिए निषेध रखा था सभी ने। इसलिए ताकि जो युवा साथी हैं, युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस चीज़ का इन्होंने यहाँ पर रोज दर्ज कराया था। तो वो वापस जुलूस ले गए हैं, कुछ लोगों का मानना ये थी कि सामाजिक उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, वो लोग कुछ नाराज हो गए। यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी के जो नेता थे वहाँ पर पहुँचे तो उनसे नाराज होकर वो लोग वापस चले गए। लोगों का कहना ये था कि जब भाई इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, बसपा के पदाधिकारी नहीं है, तो बीजेपी के नेता क्यों? उनका कहना ये, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इस बात को, हमारी बात को खारिज करते हुए उन्होंने बोला कि हम लोग इसमें। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर कांग्रेसजनों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए आदर्शों पर चलने की एवं शिक्षाओं पर भी चर्चा की। संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर आज समस्त कांग्रेसजनों ने अम्बेडकर पार्क में पहुँच के अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। हम सबका ये भी मानना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ाद भारत के बाद देश के संविधान निर्माण से लेकर के देश की तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए जिन नवरत्नों का चयन किया था, उन नवरत्नों में से एक बाबा साहब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक थे। निश्चित तौर पर उनका बनाया हुआ संविधान आज देश की विकास की बुनियाद बना हुआ है, जिस बुनियाद को पुख्ता मजबूती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी देकर के अपना एक विशिष्ट योगदान दिया था। आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, उस समय इन सब महान नेताओं के साथ में विशेष करके बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और उसके द्वारा प्रदत्त जो अधिकार थे, उन अधिकारों के ऊपर जिस प्रकार से वाद विवाद का विषय इस देश के अंदर बन रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंतनीय है। हम सब ने यही संकल्प लिया कि जो देश का संविधान है, जिसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे, उस संविधान के तहत प्रत्येक इंसान के हक की सुरक्षा के लिए हम सब अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करेंगे और देश की एकता और अखंडता और सामाजिक ताना बाना बरकरार बना रहे,
बल्कि वो मजबूत हो, देश में खुशहाली बनी रहे, उस पर जो संकट इन बीते चंद वर्षों के अंदर हम लोग उमड़ते घुमड़ते देख रहे हैं, हम उन संकटों को दूर करने में एक इंसान के नाते और एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते अपना योगदान देंगे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। पहले प्रधानमंत्री थे, सामाजिक भेदभाव के विरोध में कार्य करने वाले सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक डॉक्टर महोदय को अनुरोध कर रहा हूँ कि वो भी आए और आकर अपनी बात को रखें। वास्तविक रूप से अगर शांति चाहिए, अगर वास्तविक संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया विशाल जयंती समारोह। इस समारोह में बड़ी संख्या में बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी पहुंचे। इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बबलू चौहान ने अपने उद्बोधन में बाबा साहब को याद किया और उनके दिए हुए निर्देशों के बारे में सबको बताया। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान ने भी बाबा साहब की शान में कहा कि इस देश का छोटे से छोटा बच्चा भी बाबा साहब को जानता है, क्योंकि हर किताब में बाबा साहब के नाम से एक पार्ट जरूर होता है। वहीं अपने उद्बोधन में पूर्व मंत्री कन्हैया लाल अग्रवाल ने भी बाबा साहब को याद किया और बताया कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ये एक गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई घटना ना घट जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखा। आज का दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज हमारे आपके अपने भीमराव जी अम्बेडकर की जन्मस्थली अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश के महू में है, और ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता का और गौरव का विषय है। आज बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं उपस्थित सभी महानुभावों को, मंचासीन अतिथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा साहब के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बाबा साहब ने देश के लिए योगदान दिया है, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा ज्ञानी देश में शायद ही हो, जिन्होंने संविधान लिखा है वो हमारे देश के भगवान हैं। बाबा किसको कहते हैं कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि पुत्र से ज्यादा नाती प्यारा होता है, और नाती क्या बोलता है, बाबा। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी हमारी उपाधि में दादाजी हो, वो हमारे देश के दादाजी हैं। मैं उनके विषय में कहूंगा कि बाबा साहब जब देश के दादाजी हैं तो नाती को कितना प्रेम करते हैं, मूल से प्याज प्यारा होता है। उन्हें हमारे देश के युवा बहुत प्यारे थे। मैं सम्मानीय मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अंबेडकर जी के बारे में छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है और संविधान के बारे में छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके पुस्तक में एक पाठ बाबा साहब अंबेडकर जी का जरूर आता है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी छोटा सा बच्चा भी नहीं जो कि बाबा साहब को ना जानता। लोकतंत्र बचाओ समिति के बैनर तले आज संविधान के समक्ष चुनौतियों विषय पर परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। वहीं इस बात पर भी विचार किया गया कि किस तरह से हम जो चुनौतियां संविधान के समक्ष हैं उनसे निपट सकते हैं ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे। कलेक्ट्रेट को नहीं घेरा जा सकता, क्या जो है बिजली को नहीं घेरा जा सकता,
ये जो अपन जनता जो जनता में अपना इतना बड़ा रहने का और चर्चा करने का मतलब क्या है? ऐसे विशेष जघन्य अपराध हो रहे हैं जिनके लिए कि आप चुप बैठ के रहेंगे और कब तक चुप बैठेंगे? ये तो सरेआम जो है आगे संविधान का सबसे पहला रक्षक होता है। समाज में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक सिपाही को देखकर एक अपराधी का दिल कांपे और एक फरियादी एक पीड़िता के मन में विश्वास पैदा हो कि चलो सिपाही सिपाही यहाँ पर। सरकार भाजपा की है, भाजपा की हो काउ की हो, जो संविधान के तहत जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मान लो सरकार का दबाव है, मान लो पूरा उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो विधायक की रिपोर्ट। आज लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत एक परिचर्चा संविधान के समक्ष चुनौतियां विषय पर रखी गई, इस पर तमाम सारे वक्ताओं ने एक राय होकर मोटे तौर पर ये बात कही कि संविधान के 70 साल बाद भी यदि संविधान को चुनौतियां हैं और उसको लेकर परिचर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश में विदेश में शहर में जिस तरह की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमें बार बार बातें कर रही हैं ये सोचने पर कि हम किस बर्बर समाज में रहने लगे हैं जीने को अपशब्द है। ऐसे में संविधान के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे टकराने की, उनके लिए लड़ने की और एक बेहतर समाज बनाने की जरूरत है। भावांतर योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को आरोप है कि प्रदेश सरकार ने भावांतर के लिए किसानों के पंजीयन करवाए हैं। वहीं किसानों को इस बात से डराया गया कि यदि पंजीयन नहीं होगा तो भावांतर का पैसा नहीं आएगा, और अब जब सभी पंजीयन हो चुके हैं तो राज्य सरकार कहती है कि भावांतर से नहीं किसानों की फसल समर्थन मूल्य से खरीदी जाएगी। अब किसान परेशान है कि जाए तो जाए कहां, किसको बेचे वह अपनी फसल जिससे उनको नुकसान न हो। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भावांतर का पुतला भी फूंका। भावांतर योजना का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। पहले ये कहते रहे भावांतर में पंजीयन कराइए, लगभग 2 महीने तक इन्होंने पंजीयन करवाया, उसके बाद केंद्र सरकार ने भावांतर को निरस्त कर दिया। अब कहती हैं समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, ना वो भावांतर का है ना समर्थन मूल्य का है, किसान परेशान है। आखिर जाए तो कहाँ जाए, मंडी में बेचता है तो 3300 और 3500 मिलता है, भावांतर और समर्थन मूल्य में 4500 का भाव है। ये भावांतर के चक्कर में किसान लुट रहा है, भावांतर को बंद कर दिया गया है, समर्थन मूल्य खरीदी नहीं हो रही, इस तरीके से किसान परेशान है। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं। उन्नाव और कठुआ में बलात्कारियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग को लेकर डीएसओ ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएसओ कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन बलात्कारियों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से बलात्कार के आरोपी को बचाने की कवायद पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसकी जगह ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों यह देखकर दंग रह जाएं और कभी भी इस तरह की गलत हरकत किसी के द्वारा न की जाए। जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, इसके बाद वहां 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया जम्मू में। आप जानते हैं विरोध प्रदर्शन इतने बड़े कि जो घटनाएं बलात्कार की हुई है उसमें दोषियों को हम सजा देंगे। अरे दोषी तो प्रधानमंत्री जी आपके पार्टी के ही हो,
कि जो भी गलत करेगा भले वो किसी पार्टी का हो उसे सजा मिलनी चाहिए। वो 8 साल की बच्ची किसकी बच्ची थी? एक गरीब आदमी की बच्ची थी। नाव और खंडवा में जो बलात्कार की घटनाएं हुई उनके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये जो घटनाएं हो रही हैं इनके दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, इन्हें सजा देनी चाहिए। आज मालूम चला है कि उन्नाव के जो विधायक जो आरोपी थी उन्हें तड़के पुलिस लेके गई है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 8 साल की बच्ची के साथ जो कठुआ में हुआ है ये दिल को दहलाने वाला है। समाज पर ही प्रश्नचिन्ह लगाता है किस तरह का समाज बनता जा रहा है, और उन लोगों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। 62 साल का आदमी 8 साल तक की बच्ची को लगातार बलात्कार करता है, उसे मारकर फेंक दिया जाता है, उसकी जांच पर भी आड़े लगाए जा रहे हैं, केस नहीं लोग ले पा रहे हैं। ये भयंकर स्थिति है, भयावह स्थिति है। इसके खिलाफ में लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को सड़कों पर आना चाहिए और बलात्कारियों को तुरंत पकड़कर उदाहरणमूलक सजा देनी चाहिए। शहर के एक निजी विद्यालय में आयोजित की गई संस्कार शाला गायत्री शक्तिपीठ के बैनर तले बना तेजस्वी ग्रुप जिसमें विभिन्न समुदाय की महिलाएं शामिल हैं उनके द्वारा संस्कार शाला का आयोजन किया गया जिसमें उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहिए बताया गया। इसके साथ ही आयोजकों की माने तो इस संस्कार शाला में बच्चों को वह संस्कार दिए जाते हैं जो स्कूल में पढ़ने के बाद भी नहीं मिल सकते। जो पूरे भारत में अभी हमारे निःशुल्क बाल संस्कार शालाएं चलाई जा रही हैं उसमें से हम लोगों का एक ग्रुप है तेजस्वी ग्रुप जिसमें विभिन्न समाज की बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सिख समाज से, जैन समाज से और अग्रवाल समाज से और गायत्री परिवार से। सभी बहनों के सहयोग से हम लोग यहाँ पर पिछले 7 सालों से बाल संस्कार शाला चलाते हैं जिसमें मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल की मैडम श्रीमती संतोष अरोरा जगह प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सहयोग हमारे साथ देती हैं और हम सब लोग मिलकर के बाल संस्कार शाला चलाते हैं जिससे बच्चों को मॉरल वैल्यू जो बच्चों को विद्यालय से प्राप्त नहीं हो सकती वो सब चीज़ें हम सिखाते हैं। साथ में हम लोगों के ग्रुप जो तेजस्वी ग्रुप है उसने एक विचार किया कि क्यों ना हम वो कन्याएं जो पैसा खर्च करके कुछ नहीं सीख सकती उनके लिए हम लोग खुद अपने पास से कुछ कलेक्शन इकट्ठा करके उन लड़कियों को कुछ सिखाएं जो उनके जीवन में आए। आगे फ्यूचर में हमारा विचार है कि उन बच्चों को ये जो कन्या है उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए भी कि वो अपनी रक्षा कैसे कर सकती हैं क्योंकि आजकल कन्याओं के लिए बहुत ही असुरक्षा का माहौल है और उसको हम उनके आत्मनिर्भर कैसे बनाएं उसके लिए हम लोग लगातार हर 3 महीने में कन्या कौशल शिविर लगाते रहेंगे वो उन बालिकाओं के लिए जिनकी उनकी स्व की कोई सुरक्षा नहीं। इसके ऊपर हमारा तेजस्वी ग्रुप की ओर से ये कार्यक्रम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार सभी पेट्रोल पंपों पर अब होगी प्रदूषण की जांच। आरटीओ विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों को दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे वे अपने पंपों पर प्रदूषण कंट्रोल की जांच कर सके। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि जो भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों अनुसार अब जितने भी पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं उन सभी पर प्रदूषण जांच केंद्र जिसको POC सेंटर बोलते हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए परिवहन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस उपलक्ष्य में हमको भी जो आदेश आए हैं अपने परिवहन विभाग से हमने सभी पेट्रोल पंप संचालकों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मीटिंग कॉल कर ली है और उनको बता दिया गया है कि निश्चित समयावधि जो उनको रिक्वायर्ड है उसको एस्टेब्लिश करने में वो दे दी गई है। उसके पश्चात वो अपने पेट्रोल पंप पर POC सेंटर इस्टेब्लिश करें और प्रदूषण कार्ड बनाएं जिससे ये एक्चुअली बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको बोलते हैं NGT
उसके निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है, जिसमें पॉल्यूशन जिन गाड़ियों से ज़्यादा होता है उनका संचालन बंद कर सकें, इस उद्देश्य से किया गया। सर, इससे क्या लगता है, क्या बेहतर ढंग से वो परिवहन सुविधा जो है वो हो पाएगी? अब बेसिकली इस योजना या स्कीम का ये उद्देश्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जो व्हीकल्स हैं जिन उनके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं व्हीकल्स उनको बंद किया जा सके। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।